बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हम सब, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इमेज सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन होती क्या है। द आउटपुट ऑफ द मोस्ट सेंसर्स इन अ कंटीन्यूअस वोल्टेज वेव फॉर्म हूज एम्पलीट्यूड एंड द स्पेशल बिहेवियर आर रिलेटेड टू द फिजिकल फिनोमिना बींग सेंस्ड। To create a digital image, we need to convert the continuous sensed data into the digital form. This involves two processes, sampling and quantization. तो इसका total overview ये है कि आप अपनी image को digital image में convert करने के लिए, या इस तरह simple wording में कह लें कि analog image को digital image में convert करने के लिए आपको कुछ process की ज़रूरत होती है, ठीक है। और वो दो प्रोसेस होते हैं, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन। इन दो प्रोसेस से गुजर के देन आप अपनी इमेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिजिटल इमेज में। अब एनालॉग इमेज आप ये कह सकते हैं कि जो देखने के लिए होती है ना, इंसानी आँख के लिए होती है, ठीक है, एनालॉग इमेज। देन द जो डिजिटल इमेज होती है, जो नंबरिंग के अंदर कन्वर्ट करनी होती है, आपने कोऑर्डिनेट्स के अंदर सेट करके आप कन्वर्ट करते हैं डिजिटल इमेज में, वो होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका ओवरव्यू था। अब आगे चलें जी, तो अब थोड़ी सी इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये देखें, ये यहाँ पे ना एक इमेज दी गई है, ए टू बी एक यहाँ पे लाइन खींची गई, ठीक है। इस इमेज को हम क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूस इमेज, ठीक है। इस इमेज को क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूस इमेज। इसके अंदर से अभी कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं खींचे गए। अब यहाँ पे देखें, इसका जो पॉइंट खींचा गया है ए टू बी, वो यहाँ से ये लाइन खींची गई है ना, ठीक है। अब इसके अंदर कितने कलर्स हैं, अब इसके अंदर ये कलर स्कीम देखें ना, पहले आपने जज करना है कि आपकी इमेज के अंदर कलर कितने हैं, ठीक है। कलर की बेस पे देन आप डिसाइड करते हैं ना कि इसको हमने इंटेंसिटी क्या देनी है, इसकी हाई देनी है, लो देनी है, क्या देना है। अब यहाँ पे देखें, ये सबसे नीचे ये जो है ना, एक ब्लैक कलर है जिसकी उन्होंने कहा है कि सबसे लो इंटेंसिटी है, ये वाली लाइन देखें, ठीक है। 8 डिफरेंट कलर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं इसी शेप के अंदर। ब्लैक की सबसे लो इंटेंसिटी है, लाइट ब्लैक की उससे कम, देन ये सबसे चलते 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 सबसे हाई इंटेंसिटी किसकी है, वाइट की, ठीक है। देन ऑफ वाइट, उसके बाद ग्रे, लाइट ग्रे, ये सारा चलते चलते इस तरह से आया। तो वो इसकी बेस पे आप अपना ग्राफ क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब आपने इसको देखना ज़रा, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ये ब्लैक तो नहीं है ना, ये कोई इधर से आ रहा है, ये वाली जगह कौन सी है, कौन सा कलर आ रहा है, कोई ये वाला या ये वाला आ रहा है ना, मीन्स कि इसकी कुछ इंटेंसिटी है, ठीक है, बिल्कुल लो इंटेंसिटी पर नहीं है। तो हमने इसका थोड़ा सा इस तरह से लाइन खींच ली, ठीक है, ए से। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे इस पॉइंट से आने के बाद वो इधर आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे आ रहा है इधर, ठीक है, इधर ही आ रहा है ना। ये देखें, यहाँ से सीधे आए तो इस पॉइंट के बाद वो इधर आता है इस जगह पर। तो इसकी कौन सी है, ब्लैक है, ब्लैक कलर है तो लो इंटेंसिटी है, तो हम बिल्कुल नीचे अपना ग्राफ नीचे ले आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद इधर आ रहा है, तो इस इनमें से किसी जगह पे आ रहा है, मीन्स के फिर कुछ इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है ना यहाँ पे, फिर हम ऊपर को गए, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे आ जाएं, देन वो फिर ऊपर से ब्लैक आ जाएगा, तो उसके बाद से जाके कुछ इंटेंसिटी फिर कम हो रही है उसकी, फिर नीचे आ गए। उसके बाद ये वाइट पॉइंट पर आ जाएँ, यहाँ से इंटेंसिटी फिर इंक्रीज़ हो रही है, फिर ऊपर चले गए, देन आगे ब्लैक नहीं है तो इंटेंसिटी कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो रही है आगे। तो फिर आपका ये जो ग्राफ प्लॉट आप कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आगे चला गया। तो इस तरह से ये आपका डिजिटाइजर काम कर रहा है, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेट्स अपने इस तरह से खींचते हैं इसके एक शेप के अंदर से, ठीक है। तो ये एक ज़रा इसमें थोड़ा कलरिंग स्कीम ज़्यादा, एक दो कलर ले लें तो उसमें से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस ये वाला जो ग्राफ है, इसको हम क्या कहते हैं कि स्कैन लाइन फ्रॉम ए टू बी, ये यहाँ से पढ़ें, ये जो बी है ना वो ये वाला है, A to B in the continuous image used to illustrate the concepts of the sampling and quantization. Sampling और quantization के concept से हमने ये वाला graph illustrate किया, इसको plot किया, ठीक है। अब C पे आ जाएँ, C में क्या है कि sampling और quantization ये है, ठीक है। C के अंदर उन्होंने बता दिया है कि सारे, ये देखें जगह जगह पर उन्होंने dots लगाए हैं कि यहाँ पर कुछ values आ रही हैं, यहाँ पर बिल्कुल low था, यहाँ पर फिर कुछ values जा रही हैं, फिर ये low था, means का वो सॉरी हाई था, तो आगे से जाकर फिर कुछ वैल्यूज़ इसकी जा रहे हैं। तो ये हमारी थी सैम्पलिंग, ठीक है। एंड देन क्वांटाइजेशन पे आ जाएं, तो उन्होंने ये सिंपल से डॉट्स क्रिएट कर दिए, बस ये वाले, ये कन्वर्शन होती है हमारी क्वांटाइजेशन के अंदर, एनालॉग टू डिजिटल इमेज। अब क्वांटाइजेशन के अंदर होता क्या है कि हमारी जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी कन्वर्ट होती है, तो ये हमने हमारी इंटेंसिटी ही है ना। अब इस सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट होते हैं, कि कन्वर्टिंग द कोऑर्डिनेट्स,
और इसके अंदर क्या होता है, कन्वर्टिंग द इंटेंसिटी क्वांटाइजेशन के अंदर। और इसमें उन्होंने जो लिखा है वो है कि डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड, और डिजिटाइजिंग द एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये भी होता है। और सैम्पलिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट होते हैं और इसमें क्या हो जाता है, इंटेंसिटी कन्वर्ट होती है। तो ये दोनों का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, सही हो गया। बाकी ये इसका इसको एक्सप्लेन किया इसी डायग्राम को, और ये भी आप यहाँ से पढ़ लें। अब एक एग्जांपल पे मैं आपको लेकर चलता हूँ कि ये होता क्या समय। ये थोड़ी सी ब्लर सी इमेज है, नेट से ही ली है मैंने। अब ये देखें, ये उन्होंने दिया कि एनालॉग इमेज है हमारे पास, ठीक है, ये एक एनालॉग इमेज है। और ये दूसरी साइड पे क्या, अच्छा ये देखें, यहाँ पे उन्होंने दिया है एनालॉग इमेज, ठीक है, उसके बाद ये है डिजिटल इमेज। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस इमेज है, ईच इमेज पॉइंट ब्राइटनेस फिल्म डेंसिटी, उसके बाद कलर, और साथ नीचे लिखा हुआ है फॉर ह्यूमन व्यूइंग, ठीक है, ह्यूमन के इंसानी आँख के लिए, ठीक है, इंसान इसको देख सकता है इस इमेज को। और ये दूसरी साइड पे लिखा है फॉर कंप्यूटर सिस्टम। अब ये देखें, यहाँ पे इसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है इस इमेज को ना, मैट्रिक ऑफ पिक्सल्स। अब इसका एक मैट्रिक बना दिया गया है, अब ये कितने बाई कितने का ये खुद ही देख लें। तो इसको एक मैट्रिक बना दिया गया इसी इमेज का। तो अब ये वाली इमेज ना कंप्यूटर को इस फॉर्म में शो हो रही है, इस फॉर्म में, इस शेप के अंदर शो हो रही है कंप्यूटर को, ये नहीं शो हो रही, ये चीज़ शो हो रही है, ठीक है, ये जो मैट्रिक है ना ये शो हो रहा है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर क्योंकि 0-1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है, तो ये बेसिकली काम होता है एनालॉग टू डिजिटल इमेज कन्वर्शन का। तो जिसके लिए हम ये दो टूल यूज़ करते हैं, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब उम्मीद है कि थोड़ी सी समझ आई होगी। तो इस तरह इसकी हम ढेरों एग्जांपल्स ले सकते हैं, खुद से भी कोई प्लॉट कर लें, खुद ही 2-3 कलर स्कीम बना लें और एक लाइन खींच दें, देन आप इसको ये ग्राफ प्लॉट कर लें इसका। ठीक है, तो ये था जी इसका छोटा सा कंसेप्ट। बाकी ये देखें, ये कलर स्कीम यहाँ पे भी डिफाइन कर दी गई है। ठीक है, यहाँ से पहले दूसरा कलर था, ग्रे था, लाइट ग्रे था, देन आ जाता है आपके पास ब्लैक आ जाता है, उसके बाद फिर वाइट भी आता है, बीच ग्रे भी आता है। ठीक है, ये सारे कलर्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो इमेज आपके पास फर्स्ट वाली है, इसको हम कंटिन्यूस इमेज कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो रिजल्ट ऑफ द इमेज सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, इसके रिजल्ट से जो आप इमेज प्लॉट करते हैं वो ये वाली आपके पास आती है। तो ये था जी सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ।